नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गुंजन, जहां आप खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहते हैं। और अब प्रस्तुत है खूंटी जिले की बड़ी खबर। खूंटी जिले की बड़ी खबर खूंटी के तूत टोली से करते हैं, जहां मंगलवार की सुबह जहां चांदनी देवी नाम की एक महिला को उसके पड़ोस की 3 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा मिलकर बुरी तरह से पीटा गया। वहीं इस पिटाई से चांदनी देवी जख्मी होकर बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर पड़ी थी, जिसे अन्य लोगों के मदद से सदर हॉस्पिटल खूंटी पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें होश आया और फिर घटनाक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि उनके बच्चे पड़ोसी के घर में खेलने चले गए थे, जिसे लाने के लिए चांदनी देवी गई थी और इसी क्रम में पड़ोसियों द्वारा उन्हें बिना कुछ बताए ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। फिलहाल चांदनी देवी के बयान पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। और अगली खबर मुढ़ू प्रखंड क्षेत्र से है, जहां मुढ़ू प्रखंड क्षेत्र के हस्सा पंचायत अंतर्गत हस्सा बांध टोली में फुटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच कराया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट के इस आयोजित प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर खूंटी विधायक व पूर्व ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा उपस्थित रहे, जिनके द्वारा फाइनल मैच के विजेता और उप विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी मुढ़ू प्रखंड के ओबीसी सेल के अध्यक्ष नंदलाल महतो उपस्थित रहे। इनके अलावे मुढ़ू प्रखंड के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेश अकेला भी उपस्थित रहे। वहीं अगली खबरों में बता दें कि खूंटी जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर खूंटी काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से काम नहीं मिल पाता है और जिन्हें काम मिलता है उन्हें उचित मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया जाता है। इन तमाम समस्याओं को लेकर खूंटी जिला मोटिया मजदूर संघ का गठन किया गया। वहीं मोटिया मजदूर संघ द्वारा आगामी रविवार को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसके तहत प्रशासन को यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि मजदूरों की समस्या खूंटी जिले में किस तरह से है। मोटिया मजदूर संघ के द्वारा यह भी जानकारी उपलब्ध कराई गई कि आगामी रविवार को भारी संख्या में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से मजदूर खूंटी पहुँच रहे हैं। वहीं अगली खबरों में बता दें कि लगातार पर्व त्यौहार के चलते छुट्टी होने के कारण सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप हो जाने से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ये थे खूंटी जिले के आज की बड़ी खबर। खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज गुंजन। और अगर आपको खबर अच्छा लगे तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।